दोस्तों, यम स्क्वेयर ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम जानेंगे HTML में लिस्ट के बारे में। इससे पहले जो लोग HTML CSS जानते हैं, CSS के नए नए इफेक्ट सीखने के लिए वो ट्यूटोरियल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ पे जाकर नए नए इफेक्ट सीख सकते हैं। और इसी तरह जो लोग HTML कन्नड़ा में सीखना चाहते हैं वो लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से कनाडा में भी HTML सीख सकते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं HTML में लिस्ट के बारे में। लिस्ट का मतलब होता है एक कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा, जो एक ये जो रिलेटेड डेटा होता है उसका एक कलेक्शन होता है, उसे हम लिस्ट कहते हैं। HTML के अंदर ये लिस्ट हम यूज करते हैं जो इंफॉर्मेशन को हम डिस्प्ले करने के लिए एक अच्छे फॉर्म में, वेल फॉर्म में, जो हम जो एक डेटा कलेक्टेड डेटा रहता है, कलेक्शन ऑफ डेटा, उसे एक अच्छे फॉर्म में हम डिस्प्ले करना चाहते हैं, उसके लिए हम यूज करेंगे लिस्ट। ये लिस्ट के अंदर एक से ज्यादा या कई एलिमेंट्स होते हैं, उसे हम बोलते हैं लिस्ट एलिमेंट्स या लिस्ट आइटम्स कहते हैं। वो लिस्ट आइटम्स को हम क्रिएट करेंगे या डिफाइन करेंगे li टैग यूज करके। यहाँ पे आप देख सकते हैं li ये टैग यूज करते हैं। ये एक पेयर टैग है, इसका स्टार्टिंग टैग भी होगा और इसका क्लोजिंग टैग भी होगा। ये हम यूज करते हैं, इसके बीच में जो कंटेंट लिखेंगे वो लिस्ट का एलिमेंट होगा, लिस्ट आइटम होगा, वो डिस्प्ले होगा वेब पेज के अंदर। नॉर्मली लिस्ट के अंदर दो टाइप के लिस्ट हैं HTML के अंदर, ये एक ऑर्डर्ड लिस्ट है और एक अनऑर्डर्ड लिस्ट है। चलिए अब हम देखते हैं ये ऑर्डर्ड लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट के बारे में। पहले हम जानेंगे ऑर्डर्ड लिस्ट के बारे में। ऑर्डर्ड लिस्ट का मतलब होता है एक लिस्ट होता है रिलेटेड आइटम्स का, एक स्पेसिफिक ऑर्डर में डिस्प्ले करता है। स्पेसिफिक ऑर्डर मतलब नंबर्स देते हैं हम, वो जो लिस्ट आइटम्स होते हैं उन्हें नंबर आता है 1 2 3 या ABCD, जिस तरह से नंबर्स आते हैं एक स्पेसिफिक ऑर्डर में, उसे कहते हैं हम ऑर्डर्ड लिस्ट। ऑर्डर्ड लिस्ट को हम क्रिएट करेंगे ये OL टैग यूज करके। OL का मतलब होता है ऑर्डर्ड लिस्ट। ये भी पैर टैग है, ये स्टार्टिंग टैग है, ये क्लोजिंग टैग है। इसके बीच के अंदर हम लिस्ट एलिमेंट्स ऑफ ये लिस्ट के एलिमेंट्स को हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे ये OL टैग यूज करके। देखिए एग्जांपल मैं बताता हूँ किस तरह लिखते हैं। देखिए OL टैग स्टार्ट होता है, उसके बीच के अंदर हमें जो लिस्ट चाहिए, जो आइटम्स चाहिए, वो हम डिफाइन करेंगे li टैग यूज करके। जितने एलिमेंट्स चाहिए उतने एलिमेंट्स हम डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद एंड में OL टैग का क्लोजिंग टैग आएगा। ये OL का स्टार्टिंग है, OL का क्लोजिंग है। इस ये बीच के अंदर हम जो जितने एलिमेंट्स चाहिए वो डिफाइन करेंगे li टैग यूज करके। हर एक एलिमेंट के लिए या हर एक आइटम के लिए एक li टैग यूज करेंगे। यहाँ पे देखिए मैंने 3 आइटम्स यहाँ पे लिखा है, तो उसके लिए 3 li टैग यूज किए हैं। li टैग, फर्स्ट li टैग में एप्पल है, सेकेंड li टैग में ऑरेंज है, थर्ड li टैग में ग्रेप्स, इस तरह से हम डिफाइन करें। चलिए ये हम इसका आउटपुट देखते हैं। आउटपुट देखेंगे तो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा ये कैसे काम करता है। नोटपैड मैंने ओपन किया है। सबसे पहले हम इसका बेसिक स्ट्रक्चर लिख लेंगे, HTML का ये बेसिक स्ट्रक्चर है। अब चलिए हम इसे टाइटल देते हैं, लिस्ट इन HTML ये दिए हैं। अब हम एक लिस्ट डिफाइन करेंगे ऑर्डर्ड लिस्ट। देखिए मैंने एक ऑर्डर्ड लिस्ट डिफाइन की है जिसके अंदर 4 एलिमेंट्स हैं, एप्पल, ऑरेंज, ग्रेप्स, मैंगो, इस तरह से। अब इसे हम सेव करेंगे, इसे हम डेस्कटॉप के ऊपर ये HTML ट्यूटोरियल फोल्डर के अंदर हम सेव करेंगे लिस्ट के नाम से, lists.html। अभी सेव किए हैं। अब ये हम अब यहाँ देख सकते हैं मैंने 4 एलिमेंट डिफाइन किए हैं। अब हम चले देखते हैं ये किस तरह से आउटपुट, इसका आउटपुट किस तरह आता है। ये ओपन करके लिस्ट डबल क्लिक करिए, ये देखिए ब्राउजर के अंदर ओपन हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट मतलब 1 2 3 4 नंबर्स के अंदर डिस्प्ले हुआ है। इसके हम कुछ इफेक्ट चेंज करते हैं। इससे पहले हम जो एट्रीब्यूट सीखे हैं उसे यूज करके बॉडी का कलर चेंज करेंगे ताकि हम अच्छा ये अच्छी तरह हमें दिखाई दे। BG कलर एट्रीब्यूट यूज करके मैं इसका कलर दे रहा हूँ ब्लू, काम करेंगे ग्रे कलर देंगे, ग्रे कलर दिया हूँ। अब
अब देखिए ये सेव करके रिफ्रेश कर रहा हूँ, बैकग्राउंड कलर चेंज हुआ है। इसे हम कुछ हेडिंग दे देंगे क्योंकि ये फ्रूट्स के नाम हैं, तो एक काम करेंगे हम इसके लिए फ्रूट्स नेम दे, फ्रूट्स स्लैश क्लोजिंग टैग। अब देखिए किस तरह से दिखाई देगा। देखिए आप देख सकते हैं हेडिंग ये है ऑर्डर्ड लिस्ट। इस तरह से ये ऑर्डर्ड लिस्ट फ्रूट्स, ये रिलेटेड फ्रूट्स हैं, ये मतलब रिलेटेड चीजें आइटम्स हैं, इसे हम डिफाइन कर रहे हैं एक ऑर्डर के अंदर, मतलब नंबर दिए 1 2 3 4, इसे कहते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट। अब चलिए हम दूसरा देखते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट। अनऑर्डर्ड लिस्ट होता है ये भी रिलेटेड आइटम्स का एक कलेक्शन होता है, लेकिन इसके अंदर कोई स्पेशल ऑर्डर नहीं होगा, मतलब नंबर्स नहीं आएंगे। नंबर्स के बदल हम यहाँ पे कुछ बुलेट्स दे देते हैं। जैसे आप अगर एमएस वर्ड देखे हैं, आप इसी पेज में देख लीजिए, यहाँ पे ये स्क्वायर ब्रैकेट आए हैं, ये फर्स्ट लाइन के लिए एक स्क्वायर ब्रैकेट, सेकेंड लाइन के लिए एक स्क्वायर एक बॉक्स आया है, इसे कहते हैं बुलेट्स। ये यू अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर इस तरह से ये कुछ स्ट्रक्चर्स आ जाएगा, कुछ डॉट्स वगैरह आ जाएंगे, उसे कहते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट। इसे हम डिफाइन करेंगे यूएल टैग यूज करके। यूएल टैग देखिए सेम एग्जांपल मैंने लिया है, ओएल के बदल हमने यूएल लिए हैं, सेम लिए हैं। इसका आउटपुट हम देखते हैं किस तरह से आता है। चलिए सेम फाइल के अंदर हम इसे फिर से एक बार कॉपी करके इसे पेस्ट कर देते हैं। इसे पेस्ट किए हैं, अब देखते हैं वो एल के बदल हम दे रहे हैं इसे यूएल। सेव करके अभी इसे हम रन करेंगे सेम पेज के अंदर। आप देख सकते हैं नंबर के बदल यहाँ पे राउंड डॉट्स आए हैं। यहाँ पे बाई डिफॉल्ट ये राउंड डॉट्स ही रहेंगे, इसे हम चेंज भी कर सकते हैं, उसके लिए एट्रीब्यूट्स हैं, उसके बारे में भी हम जानेंगे। अब देखिए आप नया कोई एट्रीब्यूट यहाँ पे नया एलिमेंट ऐड करना चाहते हैं, तो फॉर एग्जांपल इसके अंदर एक नया एलिमेंट ऐड करना चाह रहे हैं, तो उसे मैं ऐड कर रहा हूँ, हम दे देंगे यहाँ पे पाइन एप्पल। पाइन एप्पल मैंने दिया है, सेव करके रिफ्रेश करिए, देखिए न्यू एलिमेंट यहाँ पे ऐड हो गया। इस तरह से जितने एलिमेंट चाहते हैं आप ऐड कर सकते हैं। ऑटोमेटिक नंबर्स 1 2 3 से लेगा ऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर। अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर ये कुछ बुलेट्स आ जाएंगे इस तरह से। ये है ऑर्डर्ड लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट एचटीएमएल के अंदर। अब चले हम देखते हैं इसके एट्रीब्यूट्स के बारे में। लिस्ट के अंदर जो एट्रीब्यूट्स हम यूज करेंगे, ये एट्रीब्यूट है टाइप। टाइप नाम का एक एट्रीब्यूट हम यूज करते हैं। ये यूज करेंगे पहले अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर भी, ऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर, दोनों के अंदर ये एट्रीब्यूट यूज करेंगे ये चेंज करने के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं बाय डिफॉल्ट अगर आप अनऑर्डर्ड लिस्ट में पहले देखेंगे तो यहाँ पे राउंड डॉट्स आए हैं, ये चेंज करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम यूज करेंगे ये टाइप। टाइप इज इक्वल टू सर्कल, टाइप इज इक्वल टू डिस्क, टाइप इज इक्वल टू स्क्वायर, इस तरह से और भी अलग अलग रकम के एट्रीब्यूट वैल्यूज हैं। ये टाइप एट्रीब्यूट नेम है, सर्कल डिस्क स्क्वायर ये एट्रीब्यूट के वैल्यूज हैं, ये देंगे तो उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, बुलेट्स चेंज हो जाएंगे। चलिए अब हम ये यूज करके देखते हैं। देखिए आप अच्छी तरह जानते हैं हमेशा एट्रीब्यूट्स को स्टार्टिंग टैग के अंदर देंगे। अब हम ऑर्डर अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर टाइप यूज कर रहे हैं, टाइप इज इक्वल टू बाई डिफॉल्ट वो डिस्क रहेगा। अब मैं यहाँ पे सर्कल यूज कर रहा हूँ, सर्कल सेव करके अब चलिए आप इस पेज को रिफ्रेश करेंगे। अब यहाँ पे देखिए ये क्या होता है, मैं इसे थोड़ा जूम कर देता हूँ, आपको अच्छी तरह दिखाई देगा। चलिए अभी इसे रिफ्रेश कर रहे हैं, तो देखिए ये सर्कल हो गया है। सिर्फ सर्कल के अंदर एम्प्टी रहेगा, मतलब बैकग्राउंड क्या होगा वो ले रहा है डेटा, ये है सर्कल। अब हम चले इसे इसी कॉपी करके और एक डाल लेते हैं और एक पेश करेंगे, तो आपको भी ये अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। सर्कल के बदल स्क्वायर यूज करेंगे, स्क्वायर रिफ्रेश कर रहे हैं, तो देखिए स्क्वायर आ गया है, स्क्वायर स्क्वायर लिस्ट के स्क्वायर आए हैं या सर्कल आए हैं। अब हम इसके बदल डिस्क यूज करेंगे, DISC डिस्क यूज कर रहे हैं, तो देखिए डिस्क राउंड
डॉट आ गया है, राउंड डॉट। इस तरह से ये है टाइप एट्रीब्यूट। टाइप एट्रीब्यूट हम यूज करेंगे ये बुलेट्स को चेंज करने के लिए। ये था टाइप एट्रीब्यूट्स इन अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर। अभी हमने देखा है अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर, अब चले देखते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर ये टाइप एट्रीब्यूट किस तरह यूज करते हैं। ऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर हम ऑर्डर्ड एक नंबर देते हैं एक ऑर्डर्ड के साथ। अब ये एग्जांपल के अंदर हमने देखा है नंबर आए 1 2 3 4 5, इस तरह से ऑर्डर आएगा, एक ऑर्डर के अंदर वो नंबर्स आएंगे। और किस तरह के हैं आप देख सकते हैं, और भी पांच तरह के एट्रीब्यूट वैल्यूज हैं इसके अंदर टाइप के लिए। एक है वन, वन मतलब नंबर, डिफॉल्ट नंबर जो अभी अगर नहीं भी देंगे तो बाई डिफॉल्ट ये 1 2 3 ही लेगा। दूसरा ये देखिए कैपिटल आई टाइप किए हैं, तो अगर ये देंगे तो इसका मतलब है रोमन नंबर्स, रोमन वन, रोमन नंबर्स 1 2 3 4। स्मॉल आई देंगे तो रोमन नंबर स्मॉल लेटर्स के अंदर आएंगे। और टाइप इज इक्वल टू ये कैपिटल ये दे रहे हैं तो अपर केस लेटर्स, अपर केस के अंदर ए बी सी डी आएंगे, ए बी सी डी इस तरह से। टाइप इज इक्वल टू स्मॉल ये दे रहे हैं तो लोअर केस लेटर्स आएंगे, स्मॉल लेटर्स आएंगे, ए बी सी डी इस तरह से। चलिए अब हम इसका भी आउटपुट देखते हैं एग्जीक्यूट करके। ऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर हम यूज करेंगे टाइप इज इक्वल टू, मैं दे रहा वन, नंबर वन दिया है, इसे सेव करके अब इसे चेंज करेंगे तो ये देखिए कुछ चेंज नहीं होगा क्योंकि बाय डिफॉल्ट 1 2 3 ही होगा, अगर नहीं भी देंगे तो 1 2 3 ही लेगा। अब इसके अलावा हम आई टाइप कर रहा हूँ मैं, अब देखते हैं ये किस तरह से आउटपुट आता है। देखिए रोमन नंबर्स 1 2 3 4 5, रोमन नंबर्स लेगा ये है कैपिटल आई। और एक है स्मॉल आई, स्मॉल आई यूज करके देखते हैं आउटपुट किस तरह से आता है। देखिए स्मॉल आई का आउटपुट आप यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह से 1 2 3 4 5 ये स्मॉल नंबर्स के अंदर आए। अब और एक वैल्यू है कैपिटल लेटर्स में ये, अब ये दे रहे हैं तो आप देख सकते हैं नंबर्स यहाँ पे किस तरह चेंज हो रहा है, ए बी सी डी आ रहे हैं, ए बी सी डी ये पूरे कैपिटल लेटर्स के अंदर आ रहा है। आप समझ रहे हैं ना ये किस तरह से चेंज हो रहा है। अब स्मॉल ये देंगे तो आप देख सकते हैं किस तरह से ये चेंज होगा, स्मॉल ये दे रहा हूँ तो देखिए स्मॉल लेटर्स ए बी सी डी ई। ये है टाइप एट्रीब्यूट किस तरह से हम यूज करते हैं लिस्ट के अंदर। ऑर्डर लिस्ट के अंदर भी हमने देखा, अनऑर्डर लिस्ट के अंदर भी देखा है। अब एक और एट्रीब्यूट है, चले देखते हैं, और एक एट्रीब्यूट है स्टार्ट एट्रीब्यूट, ये यूज करेंगे सिर्फ ऑर्डर लिस्ट के अंदर। ये यूज करते हैं हम स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा नंबर देना है। अभी आप यहाँ पे आउटपुट के अंदर देखेंगे ए बी सी डी, ए बी से शुरू हुआ है ये, इसके अलावा मैं देना चाहता हूँ एफ से देना चाहता हूँ, या जी से स्टार्ट होना है, जी ई एफ इस तरह होना है, या सी से सी डी ई एफ इस तरह आना चाहते हैं, उसके लिए हम यूज करेंगे ये स्टार्ट एट्रीब्यूट। इसका एग्जांपल आप देखिए टाइप इज इक्वल, टाइप अगर हम देंगे कौन सा टाइप देंगे वो टाइप लेगा, अगर टाइप नहीं दे रहे हैं तो बाई डिफॉल्ट नंबर ले लेगा वो। स्टार्ट इज इक्वल टू हम कौन सा नंबर देना चाहते हैं, नंबर मतलब फॉर एग्जाम्पल मैंने 3 दिया है तो कैपिटल आई दिया है तो तीसरे नंबर से वो स्टार्ट होगा। चलिए इसका डेमो देखते हैं आउटपुट किस तरह से आता है। देखिए टाइप इज इक्वल टू ये है, अब मैं इसके अंदर स्टार्ट एट्रीब्यूट यूज कर रहा हूँ। एक काम करते हैं हम इसके अंदर देंगे 5, मतलब फिफ्थ नंबर कौन सा ए बी सी डी के अंदर, ए बी सी डी ई है, ई से शुरू होगा ये, इसका आउटपुट ई से शुरू होगा। आप यहाँ पे देखिए किस तरह चेंज होगा ये, देखिए ई एफ जी एच आई, ये है स्टैट एट्रीब्यूट। इसी तरह से अगर आप रोमन नंबर लेंगे, मैं रोमन नंबर दे रहा हूँ स्मॉल लेटर्स में, 5 के बदल हम कुछ और नंबर देंगे, 7 दे रहा हूँ स्टार्ट एट्रीब्यूट का वैल्यू। अब देखिए किस तरह से काम करेगा ये, देखिए 7 से स्टार्ट हो रहा है, 7 8 9 10 11, ये है स्टैट एट्रीब्यूट। वोयल एट्रीब्यूट, वोयल लिस्ट के अंदर मतलब ऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर किस तरह से स्टैट एट्रीब्यूट यूज करते हैं, ये था लिस्ट HTML के अंदर। इसके अलावा लिस्ट के अंदर एक और भी फीचर है इसका, हम लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट भी ऐड करना चाहते हैं तो हम ऐड कर सकते हैं। लिस्ट के अंदर लिस्ट मतलब नेस्टेड लिस्ट अगर देना चाहते हैं तो वो भी हम ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये एक लिस्ट हमने बनाया है यहाँ पे वोयल लिस्ट, इसके अंदर यहाँ से अगर यहाँ एक और ग्रेप्स के अंदर कौन से ग्रेप्स हैं वो देना चाह रहे हैं तो हम यहाँ ऐड कर सकते हैं।
ग्रेप्स होगा, इसके अंदर ग्रेप्स, मैंगो है, मैंगो के अंदर अगर कुछ, फॉर एग्जाम्पल मैं अभी इसी को कॉपी करके लिख देता हूँ, लेकिन उसके लिए क्या करना होगा, इसे आपको फिर से एक बार वोयल से ही स्टार्ट करना होगा। देखिए मैं लिस्ट के अंदर, इसके अंदर एक और लिस्ट ऐड कर रहा हूँ, इसे देंगे हम, आप ऑर्डर्ड लिस्ट भी स्टार्ट कर सकते हैं या अनऑर्डर्ड लिस्ट भी स्टार्ट कर सकते हैं, जो भी आप चाहते हैं वो आप स्टार्ट कर सकते हैं। ऑर्डर्ड लिस्ट मैंने यहाँ इसके अंदर एक लिखा है, एक काम करेंगे इसे ही कॉपी करके मैं डाल देता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। देखिए अब देखते हैं इसका आउटपुट किस तरह से आता है। देखिए यहाँ पे लिस्ट के अंदर ये एक लिस्ट है ऑलरेडी, उसके अंदर और एक लिस्ट, ये 1 2 3 से स्टार्ट हुआ है क्योंकि मैंने कोई किसी तरह का टाइप एट्रीब्यूट यहाँ पे नहीं दिया है। अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा आप देखिए अनऑर्डर्ड लिस्ट यूज करना चाहते हैं, अनऑर्डर्ड लिस्ट वो भी आप यूज कर सकते हैं। अनऑर्डर्ड लिस्ट मैंने अनऑर्डर्ड लिस्ट को चेंज किया है, तो आप देखिए ये अनऑर्डर्ड लिस्ट में चेंज हो रहा है। ये है लिस्ट के अंदर ये लिस्ट किस तरह यूज करते हैं। इसका एक और फीचर भी है, वो क्या, लिस्ट के अंदर सिर्फ टेक्स्ट के अलावा हम इमेजेस भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, या हम लिंक भी ऐड कर सकते हैं, या लाइन ब्रेक्स, वो भी, लाइन ब्रेक क्या है आगे हम जानेंगे, वो भी हम ऐड कर सकते हैं। आप अभी आप देखते हैं लिंक, आप लास्ट क्लास में ऑलरेडी सीख चुके हैं, तो हम एक लिंक ऐड कर देते हैं इसके अंदर। एग्जाम्पल ये ग्रेप्स मैं निकाल के इस जगह पे एक लिस्ट ऐड करता हूँ, इस तरह से एक लिंक ऐड करते हैं। देखिए मैंने एंकर टैग ऐड किया है यहाँ पे, ये न्यू लाइन के अंदर लिख लेंगे तो आपको समझने में आसानी हो जाएगी। लिस्ट इसके अंदर मैं ये नाम दे रहा हूँ लिंक, लिंक दे रहा हूँ, एच रेफरेंस हमें देना जरूरी है, इसके अलावा ये लिंक काम नहीं करेगी। एच रेफरेंस, अभी रेफरेंस कुछ ऐड नहीं किया, सिर्फ हम आउटपुट देखते हैं फर्स्ट किस तरह से आता है। देखिए लिंक ऐड हुआ है यहाँ पे, अब इसे हम लिंक बनाना चाहते हैं, कुछ भी हमने ऐड नहीं किया है तो काम नहीं करे। एच रेफरेंस की वैल्यू देंगे, एग्जाम्पल एट्रीब्यूट नाम का फाइल हमने बनाया है, attributes.html ये दे रहे हैं सेव करके। अब ये इसे रिफ्रेश करके अब देखिए मैं लिंक सेलेक्ट कर रहा हूँ, नया लिंक ओपन हो जाएगा, नया लिंक। ये लिंक भी आप ऐड कर सकते हैं, इसी तरह इमेज देना चाहते हैं तो इमेज भी दे सकते हैं। ये था लिस्ट के बारे में, आज हमने सीखा है लिस्ट क्या है, लिस्ट को क्रिएट डिफाइन किस करने के लिए एलआई टैग हम यूज करते हैं, और उसके बाद लिस्ट के अंदर टू टाइप्स ऑर्डर्ड लिस्ट है, एक है अनऑर्डर्ड, दूसरा अनऑर्डर्ड लिस्ट है। ऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर एक स्पेसिफिक ऑर्डर्ड होता है, मतलब हम नंबर या लेटर्स एक स्पेसिफिक ऑर्डर में देना चाहते हैं दे सकते हैं। अनऑर्डर्ड लिस्ट में सिर्फ बुलेट्स आते हैं, कुछ अब वो स्पेसिफिक ऑर्डर में नहीं होगा। और इसके अंदर हमने दो तरह के एट्रीब्यूट्स देखे हैं, एक टाइप एट्रीब्यूट जो हम यूज करेंगे उसके ऑर्डर को चेंज करने के लिए, और एक स्टैट एट्रीब्यूट है हम स्टार्टिंग पॉइंट देने के लिए स्टैट एट्रीब्यूट यूज करते हैं। ये था लिस्ट के बारे में। ये लिस्ट यूज करके और लिंक्स यूज करके आप नया एक वेब पेज क्रिएट करिए, नया डिजाइन बनाइए। अगर आपको इसके अंदर कुछ भी डाउट होगा तो आप कमेंट के अंदर जरूर बताइए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए। HTML को अगर आप पूरी तरह सीखना चाहते हैं तो ये प्लेलिस्ट के अंदर आने वाले तमाम वीडियोस को जरूर देखिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए।